जरा सोचो कि साइंटिस्ट की एक गलती से पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाए। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में एक ज़ोंबी वायरस फैल चुका है और सब जगह अफरा तफरी मची हुई है। यह ज़ोंबी वायरस कैसे फैला, इसके बारे में हम कहानी में आगे जानेंगे। फिर वहाँ से हमें एक गाड़ी दिखाई जाती है। उस गाड़ी में टेस और पुलिन नाम के कपल को दिखाया जाता है। वह लोग उन ज़ोंबी से बचने के लिए समुद्र में बनी हुई एक जेल में जा रहे थे, क्योंकि जितने भी लोग अभी तक उन ज़ोंबी से बचे हुए थे वह सभी लोग वहीं पर मौजूद थे। वह लोग जब उस आइलैंड पर जा थे तब वो लोग रास्ते में देखते हैं कि दो लोग ज़ोंबी से बचने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए टेस्ट गाड़ी रोककर उन दोनों को भी अपने साथ ले लेता है और तेजी से गाड़ी चलाकर उस आइलैंड पर जाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि टेस्ट गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाता और गाड़ी पलट जाती है। गाड़ी पलट जाने से टेस्ट वहीं पर मर जाता है, जबकि वह तीनों बिल्कुल सही सलामत थे। और तभी हमें पता चलता है कि पॉलिन असल में प्रेग्नेंट थी। वही गाड़ी पलटने की वजह से बहुत ही ज्यादा शोर हुआ था और उसी आवाज को सुनकर ज़ोंबी उन पर हमला देते हैं। हालांकि पॉलिन उन ज़ोंबी से बच जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर हमें उस आइलैंड पर बनी हुई उस जेल को दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन और एश नाम की दो लड़कियाँ आर्नोल्ड नाम के एक डॉक्टर की वीडियो को देख रही थी। वह वीडियो ज़ोंबी वायरस फैलने के पहले की थी। आर्नोल्ड उसमें बता रहा था कि न्यूक्लियर वेस्ट पानी में मिलने की वजह से इंसानों में ज़ोंबी के लक्षण दिखने लगे थे। इसलिए गवर्नमेंट ने उस वायरस को रोकने के लिए डॉक्टरों की एक टीम बनाई थी और उन सभी डॉक्टरों ने मिलकर उस वायरस को रोकने की वैक्सीन भी बना ली थी और एक चिंपांजी पर उस वैक्सीन का यूज करके उसको इंसानों को देने लायक भी बना लिया था। लेकिन वो लोग जब तक इंसानों को वो वैक्सीन दे पाते तब तक वो वायरस बहुत ही ज्यादा फैल चुका था। और इतना कहते वो वीडियो वहीं पर खत्म हो जाता है। फिर लिन वहाँ से अपने दोस्त हेल्पन के पास जाती है। दरअसल लिन पेशे से एक बायोलॉजिस्ट थी। वो हेल्पन की मदद से उस वायरस को रोकने की वैक्सीन बना रही थी। वैक्सीन बनाते हुए उन्हें कुछ और बातें भी पता चली थी, जैसे कि वो वायरस 30 सेकंड से कम समय में इंसानों में फैल जाता था। लेकिन हेल्पन को वैक्सीन बनाने के लिए जिंदा ज़ोंबी चाहिए था, जो कि उन लोगों के पास मौजूद भी था। लेकिन वहाँ पर रहने वाले कुछ लोगों ने रात के समय उस ज़ोंबी को जला दिया था। इस बात का पता चलते ही लिन उन लोगों से मिलने के लिए जाती है। वहाँ पर हमें तीन और लोगों को दिखाया जाता है, जिनका नाम कैस्पियन, मार्शल और कायल था। कैस्पियन को अपने अलावा और किसी की नहीं पड़ी थी और इसी बात के चलते हुए उन दोनों के बीच में थोड़ी नोकझोंक हो जाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि ज़ोंबी तैरते हुए उस आइलैंड पर पहुंच गए थे। यह देखकर वह सभी लोग काफी डर जाते हैं और जेल के अंदर चले जाते हैं और बाकी के सभी लोगों को आगाह करते है कि ज़ोंबी अंदर आ चुके हैं। एश भी रेडियो के जरिए सभी लोगों को सेल के अंदर जाने के लिए कहती है, लेकिन फिर भी वह ज़ोंबी काफी लोगों को अपना शिकार बना लेती है। वहीं जब हेल्पन अपनी बेटी को लेकर सेल के अंदर जा रहा था तभी हेल्पन अपनी बेटी से अलग हो जाता है और इसी के चलते हुए दो ज़ोंबी उसकी बेटी पर हमला कर देते हैं और उसको काटकर उसको भी इन्फेक्टेड कर देते हैं। अब हेल्पन को ना चाहते हुए भी अपनी बेटी को उस सेल के अंदर बंद करना पड़ता है। वहीं कैस्पियन और मार्शल उस जेल में घुसे हुए ज़ोंबी को मार देते हैं। फिर बचे हुए लोग डिसाइड करते हैं कि यह जगह अब सेफ नहीं है, इसलिए वो लोग शहर जाकर कोई सेफ जगह ढूंढेंगे। लेकिन उनके पास सिर्फ एक ही बोट थी जिसमें बैठकर वो सारे लोग शहर तक नहीं पहुंच सकते थे, जिसके चलते हुए उन सभी लोगों के बीच में लड़ाई होने लगती है। लेकिन तभी हेल्पर उनसे कहता है कि मैं यहीं पर रुकना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने बेटे को छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता और वैक्सीन बनाने के लिए जो भी चीज चाहिए थी वो सभी वहीं पर मौजूद थी। लिन भी उसकी हालत समझ सकती थी, इसीलिए लिन उसकी सुरक्षा करने के लिए एक बम और एक गन देती है। फिर रात होते ही वो सभी लोग शहर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन ज़ोंबी अभी भी तैर कर उस आइलैंड पर आ रहे थे, लेकिन वो लोग बच्चे बच्चे किसी तरह उस बोट तक पहुंच जाते हैं और उसमें बैठकर वहां से निकल जाते हैं। वहीं यश को पानी में कुछ हलचल दिखाई दे रही थी, लेकिन सबको लगता है कि यह जरूर कोई बड़ी मछली होगी, लेकिन वह कोई मछली नहीं बल्कि एक ज़ोंबी था और वह पानी से बाहर निकलकर एक लड़की को पानी में खींचकर उसको मार देता है। यह देखकर कैस्पियन और मार्शल उस ज़ोंबी को पानी में ही मार देते हैं और सुबह होते ही वो लोग शहर भी पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि वो लोग जो खाना लेकर आए हुए थे वो सब पानी में भीग कर खराब हो गया था। फिर वो लोग पैदल चलकर एक गाड़ी के पास आते ही गाड़ी को स्टार्ट करने पर उन्हें पता चलता है कि उस गाड़ी की बैटरी खराब हो चुकी थी। इसलिए कैस्पियन डिसाइड करता है कि हम लोग पहले कोई सुरक्षित जगह ढूंढेंगे। लेकिन लिन उसको डॉक्टर आर्नोल्ड को ढूंढने के लिए कहती है क्योंकि उन्होंने उस वायरस की वैक्सीन बना ली थी। लेकिन कैस्पियन को अपने अलावा किसी और की नहीं पड़ी थी, इसलिए वो कहता है कि जिसको भी लिन के साथ जाना है वो उसके साथ जाए और जिसको मेरे साथ आना है वो मेरे साथ आए। इसके बाद वो लोग दो ग्रुप में बंट जाते हैं। वहीं जेल में हेल्पन वैक्सीन बनाने में लगा हुआ था, लेकिन अभी तक उसको कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हुई थी, इसलिए वो जिंदा ज़ोंबी पर एक्सपेरिमेंट करने का सोचता है और सेल में बंद एक ज़ोंबी के पास जाता है। उस ज़ोंबी के हाथ पर एक इलेक्ट्रिक मशीन लगी हुई थी। उस मशीन को निकालने पर वो देखता है कि जिस जगह पर वो मशीन लगी हुई थी वहाँ पर उसको इन्फेक्शन नहीं लगा हुआ था, इसलिए वो जाँच करने के लिए उस ज़ोंबी का एक टुकड़ा ले लेता है और उसकी जाँच करने लगता है। वहीं कैस्पियन, कायल और एक कपल एक घर के अंदर घुस जाते हैं। उन्हें वहाँ पर जाँच करने पर वहाँ पर कोई नहीं दिखता।
यह देखकर कैस्पियन उन सबसे कहता है कि यहाँ पर जो भी जरूरी सामान मिले वह सब उठा लो। तभी हम देखते हैं कि उस घर के कोने में एक ज़ॉम्बी बैठा हुआ था, लेकिन वह सब लोग इस बात से अनजान थे। और वहीं वो ज़ॉम्बी खड़ा होकर कैस्पियन के पीछे आ जाता है और उस पर हमला करके उसको भी इन्फेक्टेड कर देता है। वहीं वह कपल एक दूसरे कमरे में था, उनको भी कैस्पियन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह चेक करने के लिए उसके पास जाते हैं। वहाँ पर वो ज़ॉम्बी उनको देखकर उन पर भी हमला कर देता है और अब कैस्पियन भी ज़ॉम्बी में बदल गया था। वहीं काइल को उस घर के गैरेज में एक गाड़ी मिलती है और उसको स्टार्ट करने पर वह गाड़ी शुरू भी हो जाती है। यह बात बताने के लिए वह ऊपर जाता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर वह देखता है कि वह सभी लोग अब ज़ॉम्बी में बदल गए थे और कैस्पियन भी काइल को देखकर उस पर हमला करने लगता है, इसलिए काइल को ना चाहते हुए भी कैस्पियन को मारना पड़ता है। इससे पहले कि वहाँ पर और ज़ॉम्बी आते, काइल उस गाड़ी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें लिन और उसके ग्रुप को दिखाया जाता है, वह लोग एक ब्रिज को पार कर रहे थे, लेकिन तभी उनको ब्रिज के नीचे से कुछ आवाज सुनाई देती है। नीचे देखने पर उन्हें पता चलता है कि ज़ॉम्बी ब्रिज के जरिए ऊपर चढ़ रहे थे। देखते ही देखते वो सारे ज़ॉम्बी ब्रिज के ऊपर आ जाते हैं। यह देखकर उनके साथ आए वो एक लड़का एक गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और बाकी के लोग उन ज़ॉम्बी को रोकने लगते हैं। लेकिन इसी बीच मार्शल की गोलियां भी खत्म हो जाती है, इसलिए वो भी ज़ॉम्बी से बचने के लिए एक गाड़ी में बैठ जाता है। वह देखता है कि उस गाड़ी के पिछले सीट में एक डॉग भी था। वह डॉग उस ज़ॉम्बी को देखकर उन पर भौंकने लगता है, जिससे डरकर वह ज़ॉम्बी वहां से भाग जाते हैं। वहीं वह लड़का जिस गाड़ी में बैठा हुआ था उस गाड़ी को चारों तरफ से ज़ॉम्बी घेर लेते हैं। उनको साथ खड़ा हुआ देखकर लिन अनजाने में एक बम उस गाड़ी के नीचे फेंक देती है और उस बम के फटने की वजह से ज़ॉम्बी के साथ साथ वह लड़का भी मर जाता है। यह देखकर वह सभी लोग काफी दुखी हो जाते हैं और लिन भी शॉक हो जाती है। वहीं एश को एक वैन में कुछ आवाज सुनाई देती है। वह लोग जब उस वैन का दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ पर पुलिन छुप कर बैठी हुई थी। उसे देखकर लिन उसको अपने साथ लेने के लिए कहती है, लेकिन एश ऐसा करने से उसको मना करती है, क्योंकि उसका मानना था कि अगर ज़ॉम्बी ने उन पर हमला कर दिया तो वह नहीं भाग पाएगी। वहीं पॉलिन जब उस वैन से नीचे उतर रही थी तभी उस वैन के नीचे छुपा हुआ एक ज़ॉम्बी उसको नीचे खींच लेता है और उसके पैर को काट कर उसको भी इन्फेक्टेड कर देता है। अब पॉलिन भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदलने लगी थी, इसलिए वह लिन से कहते है कि मुझे मार दो लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो। लेकिन लिन ऐसा नहीं कर पाती, इसलिए मार्शल को पॉलिन को मारना पड़ता है। फिर लिन उसका ऑपरेशन करके उसके बच्चे को बचा लेती है, लेकिन थोड़े समय में वह बच्चा भी इन्फेक्टेड हो जाता है, इसलिए एश को ना चाहते हुए भी उस बच्चे को मारना पड़ता है। वहीं हेल्पन को पता चलता है कि इलेक्ट्रिक शॉक देने से वह इन्फेक्शन कम हो रहा था, इसलिए वह एक इलेक्ट्रिक शॉक की मशीन लेकर उस ज़ॉम्बी के पास जाता है और उस मशीन के जरिए उसको शॉक देने लगता है। लेकिन वह देखता है कि उस सेल की दरवाजे लोहे की बनी हुई थी, जिससे वो इलेक्ट्रिक शॉक ट्रांसफर होकर उसकी बेटी को भी लग जाता है और उसकी बेटी शॉक लगते ही वहाँ पर बेहोश हो जाती है। यह देखकर हेल्पन काफी घबरा जाता है और अपने एक्सपेरिमेंट को रोक देता है। वहीं लिन और बाकी के लोग डॉक्टर आर्नोल्ड की लैब में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें आर्नोल्ड कहीं नहीं मिलता। यह देखकर लिन अंदाजा लगाती है कि वह जरूर वाटर प्लांट की तरफ गया होगा, क्योंकि यह वायरस वहीं से फैला था और वहां पर भी उनकी एक और लैब है। फिर वो लोग उस लैब में मौजूद गन्स और स्टन गन उठा लेते हैं। वहीं लैब में हेल्पन की बेटी खाना नहीं खा रही थी। हेल्पन को भी पता था कि उसे सिर्फ इंसान ही चाहिए, इसलिए वो अपने हाथ का एक टुकड़ा निकालकर अपनी बेटी को खिलाने के लिए जाता है, लेकिन उसकी बेटी उसकी हाथ को पकड़कर उसको काट लेती है और उसको भी इन्फेक्टेड कर देती है। अब हेल्पन के पास भी और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो बम की पिन निकालकर अपने आप को ही ब्लास्ट करवा देता है। ब्लास्ट इतना भयंकर हुआ था कि शहर में मौजूद लिन और बाकी सब भी उसको देख लेते हैं। यह देखकर लिन हेल्पन से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि हेल्पन अब मर चुका है। यह देखकर लिन को भी काफी गहरा सदमा लगता है, लेकिन तभी वो लोग जिस जगह पर मौजूद थे वहाँ पर चारों तरफ से ज़ॉम्बीज उनको घेर लेते हैं। लेकिन वो लोग ज़ॉम्बीज को मारकर किसी तरह वहाँ से निकलने का रास्ता बना लेते हैं और वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन ज़ॉम्बी इतने ज्यादा थे कि वो लोग भी उनका पीछा करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कैल गाड़ी लेकर आता है और उनको बिठाकर वहाँ से निकल जाता है और उनको लेकर शहर के बीच में आ जाता है। वहाँ मार्शल एक गाड़ी से पेट्रोल निकालने लगता है। वहीं कैल और एश एक बस में बैठकर बातें कर रही थी, जहाँ पर एश काफी डरी हुई थी। वहीं कैल उसको हौसला दे रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन एश अभी भी ब्रिज पर हुए हादसे को नहीं भुला पाई थी, क्योंकि वो भी प्रेग्नेंट थी और वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा एक ऐसी दुनिया देखे जहाँ पर सब लोग ज़ॉम्बीज हो। इसलिए वो उस बस को ले जाकर एक दूसरी बस के साथ टकरा देती है और उस धमाके के साथ एश भी वहाँ पर मर जाती है। यह देखकर कैल और लिन काफी दुखी हो जाते हैं। फिर वो तीनों वाटर प्लांट की तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो लोग एक पुलिस स्टेशन के पास रुकते हैं, क्योंकि उनके पास गोलियां खत्म हो चुकी थी। वहाँ से वो नई गन छुटाकर उस वाटर प्लांट पर पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें गाने की आवाज सुनाई दे रही थी और वो आवाज ऊपर से आ रही थी, इसलिए वो लोग धीरे धीरे उस आवाज का पीछा करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर ज़ॉम्बीज आकर उन पर हमला कर देते हैं। वो लोग जैसे तैसे करके उन ज़ॉम्बीज को निपटाकर ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच जाते हैं।
लेकिन वहाँ पर भी चारों तरफ ज़ॉम्बीज थे। उनको देखकर वो सारे ज़ॉम्बीज उनका पीछा करने लगते है, लेकिन मार्शल दिमाग लगाकर पानी का एक पाइप खोल देता है जिससे वो सारे ज़ॉम्बीज गिले हो जाते हैं। और तभी वो स्टन गन निकालकर एक ज़ॉम्बी को करंट देता है और पानी के संपर्क में होने की वजह से वह करंट उन सब ज़ॉम्बीज को लग जाता है और करंट लगते ही वो सारे ज़ॉम्बीज वहाँ पर मर जाते हैं। फिर वहाँ से निकलकर वो लोग उस आवाज वाले कमरे तक पहुँच जाते हैं और उस कमरे में और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर आर्नोल्ड ही था। आर्नोल्ड उन लोगों को देखकर उस कमरे का दरवाजा खोल देता है और उन सभी को अंदर ले लेता है। अंदर जाते ही लिन उसको वैक्सीन के बारे में पूछने लगती है। आर्नोल्ड उसे बताता है कि हाँ वो वैक्सीन तैयार तो हो गई है लेकिन अभी तक उस वैक्सीन को इंसानों पर टेस्ट नहीं किया गया। तभी उनको बाहर से ज़ॉम्बीज की आवाज आना शुरू हो जाती है। उसे सुनकर मार्शल कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, लेकिन तभी आर्नोल्ड उन्हें बताता है कि इस बिल्डिंग के छत पर एक हेलीकॉप्टर मौजूद है लेकिन मुझे उसको उड़ाना नहीं आता। तभी मार्शल कहता है कि मैं पहले एक पायलट रह चुका हूँ इसलिए मुझे हेलीकॉप्टर उड़ाना आता है। लेकिन ठीक उसी वक्त एक ज़ॉम्बी दरवाजे से मार्शल पर हमला कर देता है और उसके हाथ को काट देता है। यह देखकर मार्शल आर्नोल्ड को उसका हाथ काटने के लिए कहता है ताकि वो इन्फेक्शन उसके शरीर में ना फैले। आर्नोल्ड भी ज्यादा देर ना करते हुए उसके हाथ को अलग कर देता है और उसने बनाई हुई वैक्सीन लेकर उसको लगा देता है। फिर वो लोग पीछे के दरवाजे से बाहर निकलकर उस हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन इसी बीच काइल को भी एक ज़ॉम्बी खरोंच देता है, लेकिन आर्नोल्ड उसको भी वैक्सीन देकर उसको भी ठीक कर देता है और वो लोग हेलीकॉप्टर उड़ाकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में आर्नोल्ड उनको अपनी एक और लैब की लोकेशन देता है जहाँ पर वैक्सीन बनाने की सारी चीजें रखी हुई थी, इसलिए वो सभी लोग हेलीकॉप्टर वहाँ पर मोड़ देते हैं। और इसी के साथ हमारी यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।